शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देख, पैदा करने वाला और मारने वाला भगवान है। ये तो हम मूर्ख हैं जो अपने आप पर तोहमत लगा बैठते हैं। झकास! इंसान के मन में पाप जगाने वाला भी भगवान है कि नहीं? क्या बोलता है? बराबर। तो मेरे इकलौते बेटे को पुलिस क्यों पकड़ने लगी? इस इल्जाम में, बलात्कार के इल्जाम में। अब इस निर्दोष को ये भगवान अदालत में बचाने को आएगा? क्या बोलता है? अरे अंकल, ये छोटी छोटी बातों में भगवान को क्यों घसीटते हो यार? उसे बचाने के लिए तो अपने रेप स्पेशलिस्ट महेंद्र बाबू ही काफी हैं। साहब तो घर पर नहीं है। कहाँ गए? आज बेबी का बर्थडे है, वो केक लेने गए हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। मेरा बर्थडे प्रेजेंट भी आ गया। Many happy returns of the day. Thank you, uncle. अच्छा, ऐसा करते हैं, अभी चलते हैं, कल फिर तुम्हें मिलवा दूंगा। है बाय बाय। अच्छा एक काम करो, तुम अभी जाओ, कल सुबह तुम्हें ऑफिस में मिलवा देंगे। जाओ। हाँ जाइए। हाँ हाँ जाओ। लेकिन एक बात सुनो, ये सरप्राइज तुम अच्छा। नहीं मैं दूंगा। पप्पू बेबी तो आपके दोस्तों के साथ बाहर गई है। मेरे दोस्त? हाँ, वही जो पार्टी पर शैंपेन की बोतल लेकर आए थे। छठे वो बदमाश? बदमाश? उन्होंने तो बहुत अच्छे सूट पहन रखे थे। इडियट, अच्छे सूट पहनने से आदमी शरीफ हो जाता है क्या? कहाँ गए वो? वो बर्थडे प्रेजेंट लेने गए हैं। जी हाँ, पुलिस स्टेशन, हम आपकी रिपोर्ट दर्ज के लेते हैं। सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करने से क्या होगा इंस्पेक्टर? अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो? क्या हो गए हैं आपकी बेटी को? महेंद्र साहब, आपका कहना है सूर्यकांत आपका क्लाइंट है और आज आपकी बेटी का जन्मदिन भी है, हो सकता है आपको खुश करने के लिए उसे कहीं ले गया हो। मैं उन हरामजादों को अच्छी तरह जानता हूँ, वो तो छठे हुए बदमाश है। देखिए, आपने रिपोर्ट हमें करवा दी, हमें क्या करना है ये हमारे पास छोड़ दीजिए। हेलो हेलो, कमिश्नर साहब आइए आइए। मैंने बाबा, मेरी बेटी का कुछ पता चला? बहू आप बैठिए सही, मैं चलती हूँ सर। पप्पू कहाँ है? पप्पू कहाँ है? कमिश्नर साहब ने उसको ढूंढने का पूरा वादा किया। वादा किया है? मुझे वादा नहीं, अपनी बेटी चाहिए। तुम्हें मालूम है अगर पुलिस ने कुछ देर कर दी तो उसके साथ क्या हो सकता है? गुंडे उसे छोड़ देंगे क्या? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपनी बेटी चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ, ये सब तुम्हारे किए हुए पापों की सजा है जो हमारी बेटी भुगत रही है। अब शायद एक ही रास्ता है, किरण दत्त। तो जाओ जाओ, मुझे पप्पू चाहिए, मुझे पप्पू चाहिए। आप और इस घर में अय्याशी का अड्डा देखने आए हैं या फिर अय्याशी करने? मेरी मासूम बेटी है पप्पू। महेंद्र बाबू, बेटियां और बहनें तो सभी मासूम होती हैं, जब तक वो किसी मर्द के हाथों खराब नहीं हो जाती। सूर्यकांत को तो आप जानती हैं, वो पप्पू को बहाने से ले गया है। देखिए, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। लेकिन सूर्यकांत तो शरीफ बाप का शरीफ बेटा है, आप ही ने अदालत में साबित किया है। हो सकता है वो उसे सैर करवाने ले गया हो या फिर उसे जन्मदिन का तोहफा देने। आप घर जाइए,
आपकी बेटी तोहफा लेकर आती होगी। मैं आपके पास बहुत आस लेकर आया हूँ। आप ही हैं जो उसे उस कमीने से बचा सकती है। क्यों, ये याद रहा कि पप्पू आपकी बेटी है, और ये भूल गए कि मैं भी किसी की बेटी हूँ जिसे भरी अदालत में आप नंगा कर चुके हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ, उसे बचा लीजिए प्लीज। महेंद्र बाबू, मुझे आप पर तो कोई तरस नहीं आता, अगर तरस आता है तो पप्पू पर, इसलिए नहीं कि वो आपकी बेटी है, लेकिन इसलिए कि वो भी मेरी तरह एक लड़की है, और मैं उसके साथ कभी वो नहीं होने दूंगी जो। आप जाइए, मैं उसे बचाने के लिए अपनी जान लगा दूंगी। थैंक यू वेरी मच। कहाँ है तुम्हारे साथी? पकड़ लिया। लाओ मेरा प्रेजेंट। अभी देता हूँ, लेकिन पट्टी ना खोलना। अच्छा अच्छा, बैठ जा। प्रेजेंट भी देता हूँ, और वो जो बढ़िया वाला प्रेजेंट की बात की थी ना मैंने, वो भी देता हूँ। अंकल, अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? बढ़िया वाला प्रेजेंट चाहिए ना, उसके लिए नई गेम है। हाँ टिकट 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 ले ले। नहीं नहीं नहीं, मम्मी चलो। मम्मी, बेटी बेटी बस रोना मत, बस चुप हो जा, सब ठीक है। किरण जी, पापा रुक जाइए ना, आज पप्पू की बर्थडे भी है, और फिर आज से आप उसके धर्म माँ भी हैं। आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। ये तो मेरा फर्ज था। अगर आपके साथ ऐसी घटना दोबारा हो जाए तो वकील मेरे गुरु महेंद्र बाबू को याद कीजिएगा। महेंद्र बाबू, एक गुंडा तो मुकाबले में मारा गया, और दूसरे को हमने अटेम्प्ट ऑफ रेप के जुर्म में गिरफ्तार किया है। आपकी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने वाला आपका पुराना क्लाइंट है, क्या आप उसकी तरफ से लड़ेंगे?
अगर उस दिन आपने उन गुंडों को सजा दिलवा दी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। कांटों का काम है दामन फाड़ना। कल मेरा था, आज आपका है, कल किसी का भी हो सकता है। आपको ये सब कहने का हक है। मैं वादा करता हूं अब आज के बाद किसी रेप के मुजरिम को नहीं बचाऊंगा। महेंद्र बाबू, आज आपने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा केस जीत लिया है। बधाई हो। थैंक यू।